बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। आज की बड़ी अपडेट 10% इजाफे के बारे में बात करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब की हुकूमत ने सिविल पेंशन को 10% पेंशन इजाफे की मंजूरी दे दी। गवर्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ गवर्नर पंजाब की तरफ से ये मंजूरी दी गई और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसका नोटिफिकेशन बकायदा जारी कर दिया। पैरा नंबर एक में जैसे जिक्र है कि पेंशन में 10% इजाफा काबिले कबूल होगा जो 1/4/2022 या इसके बाद रिटायर होंगे। और इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं कि माइनस मेडिकल होगा, मेडिकल में इस पेंशन का इजाफा नहीं किया जाता। और इसके अलावा 1977 को पंजाब सिविल सर्वेंट रूल के तहत दी जाने वाली पेंशन के साथ साथ कॉम्प्रेंशन जो अलाउंस है, ये शफकत अलाउंस जिसको कहते हैं, ये भी आपको दिया जाएगा। अगर हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर करदा मजमूई पेंशन को किसी भी हुकूमत के साथ जमीमा 3 और 4 में अकाउंट करें तो कवानीन के मुताबिक इसका इश्तराक किया जा सकता है। पेंशन में इजाफे की रकम हुकूमत पंजाब ये अदा करेगी और पेंशन की मंजूरी बकायदा तौर पर दे दी गई है और कबल अज रिटायरमेंट ऑर्डर अलाउंस के बदले खसूसी इजाफी पेंशन की इजाज़त भी काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। जी आज की ये बड़ी अपडेट थी, इसकी टर्म एंड कंडीशन भी बता दी। मजमूई तौर पर ये 10% 1 अप्रैल 2022 से आपकी पेंशन में इजाफा होने जा रहा है और 5% 1 जुलाई से होगा और इस तरह 15% आपको इजाफा होने जा रहा है। हुकूमत की तरफ से तमाम अवाम खदशात दूर कर दिए गए और बकायदा तौर पर इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम पेंशन को मुबारक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।